मंदिर में मूर्ति की स्थापना के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना इलाके के ग्राम परसुबा बजे में मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालु मौजूद रहे, जिनके द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर एक महायज्ञ किया गया और साथ ही एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को लेकर संतोष कुमार सिंह ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बाबा राम सेवक दास की लंबे समय से मंदिर में मूर्ति स्थापना करने की मांग थी, जिसको लेकर सभी ग्रामीणों ने एक साथ इकट्ठा होकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया तथा मंदिर में मूर्ति स्थापना की है, जिसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना भी करना शुरू कर दिया गया है। भंडारे में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं और एक हवन का भी आयोजन किया गया है। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। ये है ग्राम परसुपरा बाजे। मंदिर कौन सा है? ये शिव मंदिर समदा परसुपरा। क्या है आज? आज खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो कि दो दिन पूर्व से ये चल रहा है। आज इसका समापन है, प्राण प्रतिष्ठा का समापन हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस मौके? ये जो श्याम बाबा की जो स्थापना की गई है, ये जो है देवयोग से और ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा ही की गई है, क्योंकि यहाँ मंदिर पहले से ही हमारा स्थापित है, लेकिन अचानक ही हमारे जो जितने टीम है उसके मन में ऐसा विचार आया, ईश्वर ने प्रेरणा दी कि यहाँ उनकी स्थापना कराई जाए। हमारे जो महाराज जी हैं बाबा राम सेवक दास जी, उनको भी स्वप्न में ये एहसास हुआ कि जो है वो खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे, और तब से आने के बाद उनको ये मन में उनके ये बात बैठ गई कि मुझे श्याम बाबा को यहाँ लेके आना है। उन्होंने अपनी ये बात हम लोगों के सामने रखी, क्योंकि हम यहाँ मंदिर से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि मेरे मन में ऐसा विचार आया है और मुझे स्वप्न भी आया है कि मुझे श्याम बाबा को यहाँ लेके आना है। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हम सब लोगों ने पूरे गांव दो आसपास के गांवों से सहयोग किया और सहयोग करने वाली मंदिर का निर्माण कराया है, जो कि बहुत ही कम समय में हमने जो है इसका निर्माण कार्य कराया है। चूँकि महाराज जी का ये संकल्प था कि जो है मुझे ये 18 तारीख को एकादशी के दिन ही जो है श्याम बाबा को स्थापित करना है, और आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनों के लिए अभी बाबा का श्रृंगार चल रहा है। अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं, अब से कुछ ही देर बाद श्रृंगार और भोग के बाद कपाट खुलेंगे, और कपाट खुलने के बाद मंदिर दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा, और उसके बाद जो है भंडारे का प्रोग्राम है, सभी को प्रसाद यहाँ वितरण किया जाएगा। और हम यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि आएँ और बाबा श्याम के दर्शन करें, और जो है उनसे जो है आशीर्वाद, उनका कृपा प्राप्त करें और सबका कल्याण हो, यही श्याम बाबा से। कितना पुराना मंदिर है आपका? ये कम से कम ये 70 साल पुराना मंदिर है। ये 70 साल पुराना मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। जी, क्या नाम है आपका? राम सेवक दास। क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार है? वो यही करना चाहता हूँ, मेरा ये स्थान का नाम चले और मेरा दुनिया में प्रचार हो। आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है ना। कितने लोगों से? भंडारा है, प्राण प्रतिष्ठा है, हवन कुंडली है, सब कुछ है। किन किन लोगों का सहयोग रहा आज में? पूरे क्षेत्र ने सहयोग दिया, पूरे गांव समदा पर तो पूरा पूरे क्षेत्र ने सहयोग दिया। कुछ कहना चाहते हैं इस अवसर पर आप? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ ना, जिन लोगों ने मेरी सहायता की, मुझे सहयोग दिया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम महिपाल सिंह, मैं यहीं परसुपरा बाजे का निवासी हूँ और हमारे इस मंदिर से जुड़े हुए हैं बचपन से, क्योंकि हमारे जन्म से पूर्व से मंदिर स्थापित है, तो यहाँ की जो व्यवस्था होती है उसके लिए जुड़े हुए कार्य करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आज मंदिर के अवसर? आज यहाँ पर मंदिर पूर्व से सभी स्थापित थी मूर्तियाँ, लेकिन बाबा श्याम जी के, खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना का जो महात्मा जी जो यहाँ हैं बाबा राम सेवक दास, उनके मन में जो विचार आया, तो उनके विचार को हमारे सभी ग्रामीण और क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ के उनका सहयोग किया और यहाँ पर आज स्थापित प्राण प्रतिष्ठा कराकर जन से दर्शन के लिए इसको खोला जाए।
गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।